तो अभी आपने देखा गाइस कैसे क्लोज कर पाते हैं, बट कर पाएंगे क्योंकि अपने को मंडे को ऑफिस भी पहुंचना है, दोनों को पहुंचना है। भाई अपने साथ बैंक में ही जॉब करते हैं तो दोनों को ऑफिस पहुंचना है। फर्स्ट विजिट कर रहे हैं और हम दोनों की एक साथ पहली राइड है। भाई के पास अभी बाइक नहीं है, भाई प्लान कर रहा है। सो लास्ट टाइम शिमला से हमारी राइड शुरू हुई थी और इस बार हमारी राइड शुरू हो रही है सिरमौर से, और अभी हम जा रहे हैं सिरमौर की हाईएस्ट पीक चूड़दार को। बाय चौपाल होकर दो रास्ते जाते हैं, सो हमने थोड़ा लंबा वाला रास्ता लिया है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन और सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में बड़े मज़े से होंगे और सभी मज़े से कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो आज है सैटरडे और अभी हम हैं ऑलमोस्ट कुमारहट्टी में पहुंचने वाले। सो यहाँ से निकलेंगे सोलन, सोलन से गिरिपुर बाया सेंच होते हुए चौपाल को निकलेंगे। सो तकरीबन 200 किलोमीटर के आसपास अपने को ये राइड पड़ेगी और वहाँ से ट्रैक शुरू होता है सराह से, और चौपाल से 10 किलोमीटर और आगे जाकर, तो वहाँ से तकरीबन ट्रैक थोड़ा छोटा है, 8 या 10 किलोमीटर एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, वहाँ पे जाके ही लगेगा पता। और लेकिन जो दूसरा रास्ता है बाया नौरादार, उधर से ट्रैक पड़ता है तकरीबन 18 किलोमीटर का। सो अपने पास टाइम थोड़ा कम था इसलिए हमने बाइक राइड थोड़ी लंबी कर दी है और ट्रैकिंग थोड़ी छोटी कर दी है। सो ये रोड तो आपने वीडियो में काफ़ी बार देखा होगा मेरी में। सो यहाँ से निकलते हैं फटाफट शटफट और मिलते हैं आपसे सोलन में। शटफट अपन निकले थे और अभी कुमारहट्टी क्रॉस करके सोलन पहुंच चुके हैं। तकरीबन हमें लगा है आधा घंटा सोलन पहुंचने पे, और अभी हमने लिया है राजगढ़ वाला रोड। यहाँ से निकलेंगे गिरिपुल के लिए, जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है कि कितना दूर है यहाँ से, बट रास्ता यही जाता है राजपुर वाले रोड पे, राजगढ़ वाले रोड पे सॉरी। सो निकलते हैं जल्दी से सोलन की मार्केट को दिखाते हुए आपको, और ये जो सीधा रोड चला गया ये चला गया अपना शिमला के लिए, और अपने को लेना है यहाँ से राइट। सो ये है अपने सोलन की मार्केट और काफ़ी बड़ी मार्केट है माल रोड। सोलन से क्रॉस किए हुए अभी हमें हो गए हैं 7-8 किलोमीटर्स, और अभी राजगढ़ है यहाँ से 20-22 किलोमीटर, और रोड काफ़ी बढ़िया है, वेदर काफ़ी बढ़िया है। वेदर अपडेट आपको आज की देनी हमने, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और धूप काफ़ी अच्छी खिली हुई है, और कल मौसम ख़राब था बट आज काफ़ी बढ़िया है मौसम, और ज़्यादा गर्मी तो अभी है नहीं, बट भाई साहब ने अभी गाड़ी ठोक ही दी थी ऑलमोस्ट। HR नंबर है भाई, थोड़ा आराम से देख देख के चल ले, नहीं कंट्रोल हो रही तो धीरे कर ले। Thank you.
सामने के खूबसूरत नज़ारे आप देख सकते हैं, क्या ही बढ़िया नज़ारा आ रहा है। सो अभी राजगढ़ रोड पे ही हैं, अभी हमने जगह क्रॉस करी है नौनी, जहाँ पे नौनी यूनिवर्सिटी है, और काफ़ी बढ़िया व्यूज़ है इस रोड पे भी राजगढ़ तक, तो काफ़ी अच्छा है। बट अपने को राजगढ़ शायद जाना नहीं है। सो अभी कुछ ऐसी जगह पे रुके हैं, ये है जगह किरीपुल, और अपने को जाना है यहाँ से लेफ़्ट ऊपर की और सेंच की तरफ। सो ऐसे कुछ नज़ारे हैं, ये है गिरी नदी जो खड़ा पत्थर से शुरू होती है, और ऐसा कुछ व्यू आ रहा है, और यहाँ पे खड़ी है अपनी बाइक। सो निकलते हैं यहाँ से फटाफट और मिलते हैं आपसे रोड पर। सो अभी हम निकले थे चाय पानी पी के अपना, तो जो रोड आपको दिखाई थी गिरी पुल से, उसी रोड पे अभी हम निकले थे थोड़ा 2 किलोमीटर आगे। वहाँ से एक रोड जाती है हरिपुर धार के लिए और एक जाती है चौपाल के लिए। चौपाल यहाँ से है 94 किलोमीटर्स और हरिपुर धार है तकरीबन 80 किलोमीटर्स। सो ये चौपाल वाला जो रोड है ये कंपैरेटिवली छोटा है, सो हमने ये वाला रोड लिया है। और जब से हम सोलन से निकले हैं तब से हम न्यूट्रल ही चले हुए हैं, एक तरफ को न्यूट्रल ही है सारा, तो पेट्रोल तो हमने कोई 1-2 लीटर बचा ही लिया है। सो नज़ारे आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत से हैं, और रोड की कंडीशन आपके सामने है, बढ़िया सिंगल लेन रोड है, और ट्रैफिक के नाम पे बहुत कम ट्रैफिक है यहाँ पे। बट एक ही दिक्कत है इस रोड की, यहाँ पे ट्रक बहुत ज़्यादा चलते हैं जो चौपाल साइड से आते हैं, बाकी यहाँ इस रोड पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपने देखा गाइस कैसे क्लोज सेव हो गया है, एकदम गाड़ी वाला रॉन्ग साइड ओवरटेक कर रहा था। सो ये ऐसी चीज़ें इन सिंगल रोड्स पे होती रहती हैं, और कैमरा मैंने बाय चांस अभी ही ऑन किया था और ये सामने हमारे हो गया। सो इन चीज़ों से घबराना नहीं है और थोड़ा संभाल के बाइक चलानी है ऐसे सिंगल रोड्स पर। सो जो हो गया सो हो गया, और अभी हम हैं गिरी गंगा के अलोंग चलते हुए, काफ़ी बढ़िया सा व्यू है। लेफ्ट साइड में हमारे गिरी गंगा है, राइट साइड में पहाड़ हैं, और रोड की कंडीशन तो आप देख ही सकते हैं काफ़ी बढ़िया है। लोकेशन पे, और पीछे आप देख सकते हैं क्या बढ़िया लोकेशन है ये। यहाँ पे ऐसे ही बीच में अभी हम निकल रहे थे तो हमें लोकेशन काफ़ी सही लगी, सो इसलिए यहाँ पे रुक गए थे। एज सच कोई नाम नहीं है जगह का, बट पीछे आप देख सकते हैं नीचे पुल के नीचे बढ़िया नदी बह रही है और पीछे पहाड़ हैं, और अपने साथ है अपने भाई जगदीप जो कि हैं शिलाई से, और यही अपने को चूड़दार की यात्रा करवाने के लिए लेके जाएंगे।
तो भाई हमें बताओ कि इससे बाद हम कहाँ जाएंगे। दोस्तों अभी तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी मैं हम लोग पहुँचे हैं कोटखाई से 25 किलोमीटर पीछे। यहाँ से हम निकलेंगे चौपाल की तरफ, एक ठियोग के लिए जाएगा, हम जाएंगे चौपाल वाले रास्ते पे। तो फिर चौपाल से हम बाया सराहा होते हुए निकलेंगे चूड़दार। हाँ, तो जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया था कि हम जा रहे हैं बाया सराहा होते हुए चौपाल। और जैसे ही शुरुआत की अपनी वीडियो स्टार्ट हुई थी तभी आपको बताया था, आज रात स्टे करेंगे हम चूड़दार और फिर सुबह वहाँ पे मंदिर में माता मुहूर्त देखने के बाद फिर आएंगे हम बिजट महाराज मंदिर सराहा। भाई का प्लान बहुत लंबा है, अब देखते हैं, हमारे पास छुट्टियाँ दो ही हैं, कितना हम इसको पूरा कर पाते हैं यूटिलाइज कर पाएंगे। क्योंकि अपने को मंडे को ऑफिस भी पहुँचना है, दोनों को पहुँचना है। भाई अपने साथ बैंक में ही जॉब करते हैं तो दोनों को ऑफिस पहुँचना है। हम फर्स्ट विजिट कर रहे हैं और हम दोनों की एक साथ पहली राइड है। भाई के पास अभी बाइक नहीं है, भाई प्लान कर रहा है अभी बाइक लेने का, तो फिलहाल भाई मेरे साथ ही बैठा हुआ है बाइक पे। सो मिलते हैं आपसे बाइक पे थोड़ी देर के बाद। सो रोड देख रहे हैं आप, सारी क्लिफ के अराउंड बनी हुई है और काफ़ी बढ़िया है, सिंगल लेन रोड है, पहाड़ों के बीचों बीच एकदम मस्त नज़ारों के साथ, खतरनाक रोडों में से एक। जब हम लास्ट ईयर चंबा गए थे उधर भी ऐसे ही रोड थी, सिंगल लेन रोड थी, हमने तब भी हाईवे छोड़ के एक इंटरनल रोड ली थी तो वो भी काफ़ी सही थी। बट वो रोड थोड़ा कच्चा था, ये रोड काफ़ी बढ़िया है, मेटल्ड है अच्छे से। और नज़ारे तो आप देख ही सकते हैं सामने, क्या बढ़िया नज़ारे आ रहे हैं यहाँ से। So this is the real Himachal. You can see na highway na shops hain, ikki dukki koi ek aadhi koi shop aapko milegi is road pe dur paar tak. Abhi tak hum takriban 35 km aa gaye hain aur ek achhi market yahan pe nahi mili hai hame jahan pe 10-12 dukane ho ek sath. So highway pe to kafi log ghoomte hain बट ऐसी जगहों पे काफ़ी कम लोग आना प्रेफर करते हैं। और इस रोड पे एक ही प्रॉब्लम है कि होम स्टेज और रेस्टोरेंट्स और होटल्स कुछ नहीं हैं। करने का तो ऐसा। सो अभी हम पहुंचे हैं माईपुल, ये रास्ते में कोई जगह पड़ती थी एक, और उसके पास से कुछ ऐसे नज़ारे आ रहे हैं रोड पे और बेहतरीन बेहतरीन नज़ारे। गिरी गंगा पे यहाँ पे जो बनाया गया है बांध, उस पे जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाती है वो सारा यहाँ से देखा जाता है। और बड़ी बड़ी लाइनें आप देख सकते हैं, ये सारा लगा रखी है और सारी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से। पानी तो सोलन जाता है गिरी गंगा का, बट इलेक्ट्रिसिटी तो पूरे ऑल ओवर हिमाचल जाती होगी और थोड़ी बहुत हम बाहर भी भेजते हैं दूसरी स्टेट्स को। वो सामना दूर दूर तक आप देख सकते हैं, बगीचे ही बगीचे हैं। वो ऊपर अगर आपको कैमरा दिखा पा रहा है अगर,
तो वो सारा बगीचे बना रखे लोगों ने। अब हमें तो नॉर्मली दिखाई दे रहे हैं, बट कैमरा कैप्चर कर रहा है या नहीं इसका कुछ पता नहीं चलता है। अभी हम पहुंचे हैं सैंज में, यहाँ से चौपाल है 46 किलोमीटर्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉर्टिकल्चर का काफ़ी बढ़िया काम कर रखा है लोगों ने। यहाँ पे कॉलीफ्लावर वगैरह लगा रखा है। पहले कुछ खाने का देख लेते हैं, हॉर्टिकल्चर बाद में देखते हैं। अभी सैंज में खाना खा के निकले थे। सैंज से 2-3 किलोमीटर ही आगे आए हैं, और यहाँ पे है आज मेला। इसीलिए आप इतनी गाड़ियाँ रोड के दोनों तरफ देखेंगे। अपने राइट साइड में मेला नीचे लगा हुआ है। अभी हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, बट यहाँ से फटाफट और शटफट निकलते हैं। जहाँ तक ऊपर तक नज़र जा रही है, सेबों के बगीचे ही बगीचे हैं। कवर्ड जो भी है ये सेबों के पेड़ हैं, और जिनको ये प्रिजर्व कर रहे हैं फिलहाल के लिए बारिश से। और यहाँ से देहा है 6 किलोमीटर, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है कौन सी जगह है ये, बट देहा 6 किलोमीटर है यहाँ से। सैन से निकले हुए हमें हो गए हैं 45 मिनट्स के अराउंड। अभी हमने 20 किलोमीटर ही कवर किया है, और अभी चौपाल है यहाँ से ऑलमोस्ट 23 किलोमीटर्स। ऐसा कुछ रोड है, और मौसम बहुत ही सही हो रखा है फिलहाल के लिए। थोड़ा ठंडा हो गया है पहले के मुकाबले, धूप चली गई है, और बड़ा ही सही मौसम हो गया है फिलहाल। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे रोड बढ़िया होते जा रहे हैं। और ये देखिए, हमारे राइट लेफ्ट साइड में टेम्पो के टायर किसी ने निकाल लिए हैं। तो ऐसा भी हो जाता है यहाँ पे कि टेम्पो टेम्पो छोड़ जाएंगे और टायर टायर निकाल लेंगे आपके, क्योंकि रोड पे ही रहती हैं मोस्टली गाड़ियाँ। घर तो आसपास है नहीं, तो कोई खड़ी कर गया होगा तो टायर निकाल के ले गया कोई। मौसम काफ़ी ख़राब सा लग रहा है। बारिश इधर तो नहीं हुई है, बट पीछे बारिश हो रखी थी। और यहाँ पे तो आप जहाँ पे भी देखोगे सेबों के बगीचे दिखाई देंगे, दूर दूर तक सेब ही सेब, बगीचा ही बगीचा, नथिंग एल्स। हमें जाना है वो बीच वाली पहाड़ी पे जो टॉप पे है, और मौसम आप देख सकते हैं कितना ही ख़राब लग रहा है फिलहाल। और कोशिश करेंगे आज ही जाने की, क्योंकि अभी 2 बजे नहीं है। तो आगे बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है,
तो आगे वीडियो बनाना थोड़े पॉसिबल नहीं है। सो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आपसे जहाँ से ट्रैक शुरू होगा, सराम है। और अभी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, सो हो सकता है कि कैमरे में पानी चला जाए, इसलिए से वीडियो रोकनी पड़ेगी।